ये एक बहुत स्मार्ट प्लेटफॉर्म है जो कि हर किस्म के डिवाइस और हेल्थ ऐप के साथ इंटीग्रेट कर पाता है, उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को यूज़ करके इनटू नॉलेज। आप बस इमेजिन करें कि जिस तरह आप गूगल पे जाके कोई चीज़ लिखते हैं और आपको एक जवाब आता है, आप अपनी हेल्थ के लिए आगे जाके प्लेपैल को यूज़ करेंगे। सो प्लेपैल आपको बता रहा होगा कि आपको खाना क्या है, आपको सोना कैसे है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, अगर आपकी फैमिली में कोई डिज़ीज़ हिस्ट्री है या आपकी अपनी कोई डिज़ीज़ हिस्ट्री है तो आपने कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करना है। प्लेपैल आपको स्मार्टली ये चीज़ें सारी बता रहा होएगा, आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी। 8 साल की उम्र में आई वॉज डायग्नोज्ड विद क्लिनिकल ओबेसिटी। मैं ओवर वेट से ओबीस किए के थ्रेशोल्ड पे को क्रॉस कर चुकी थी एंड अदर देन द हेल्थ रिस्क, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो था स्कूल के अंदर वो बहुत डेविस्टेटिंग था। मोटी से लेके बदसूरत से लेके हर किस्म के जो गंदे लफ्ज थे टू पुट समबडी डाउन वो कहे जाते थे। तो मेरे फादर का एक रोल बहुत इम्पोर्टेंट था। ही सेड के मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट टॉयज लेके दूंगा अगर तुम 30 पाउंड उतार लो। मैंने दुनिया की आई थिंक हर किस्म की डाइट जो है वो की हुई है वेट रिड्यूस करने के लिए। पहली दफ़ा जब हम फोर्ब्स लिस्ट पे आए तो उस वो पर्टिकुलरली प्लेपैल जो हमारी कंपनी का नाम है उसको ऑनर किया फोर्ब्स ने। दूसरी दफ़ा जब हम फोर्ब्स लिस्ट पे आए तो वो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनरिंग मी एंड माय वर्क व्हिच इज़ प्लेपैल। और सेकंड टाइम अराउंड देर आर टू पाकिस्तानीज ऑन दिस प्रेस्टिजियस लिस्ट। एंड मज़े की बात ये है कि हम दोनों औरतें हैं।